रीवा पुलिस जो भी कर जाए वह बहुत कम है। आए दिन आप देखते और सुनते रहते हैं कि किस तरह से झूठे मामले में लोगों को फंसा कर उनके कैरियर बर्बाद किए जाते हैं। कई बार रीवा पुलिस को न्यायालय से भी इन्हीं आचरणों के चलते फटकार मिल चुकी है। ताजा मामला सिमरिया थाना क्षेत्र के वीरखाम का है, जहां से पीड़िता पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने बताया कि उसका मौसेरा ससुर, देवर सास और ससुर उसके साथ मिलकर मारपीट किए। इस दौरान वह अचेत हो गई और उसे गंभीर चोट लगी, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बावजूद सिमरिया पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी, उल्टा उसी को और उसके पति को आरोपी बना दिया। वारंट पहुंचने पर उसने न्यायालय से जमानत करवाया और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पूरे मामले को निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। आइए सुनते हैं पीड़िता ने क्या आप बीती सुनाई है। मेरा शोभा साकेत नाम है, ग्राम वीरखाम थाना से मरिया लगता। मेरी ये शिकायत है सर कि हमें अपने घर से निकाल रहे हैं सास ससुर। मेरा मैन मौसा ससुर है, जो वो भी हमारे विवाह घर के विवाद में पड़ रहे हैं। वो है वही लड़ाई झगड़ा शुरू किए, दो नंबर का धंधा करता है। हमारे घर में 7:30 बजे वो घुसा और देवर अनु साकेत, मौसा ससुर राज ललन साकेत उर्फ गुड्डू बिहरा, वो हमारे घर में 7:30 बजे घुसे, हमारे घर से बर्तन मेंकने लगे, बोले कि घर से निकल जाओ, गंदी गाली दे रहे थे। मेरे पति घर पे नहीं थे, मैदान गए थे। फिर मैंने मना किया कि मेरा बर्तन क्यों मेंक रहे हैं। गंदी गाली देकर मुझे उठाकर पटक दिए वो दोनों लोग, मेरे सीने में हाथ लगाए, मेरे सीना में चोट भी आई है, मेरी मेडिकल रिपोर्ट भी है। फिर भी थाने में मैंने शिकायत की, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज तक सारा 6 महीने हो गया। मैं उसी केस में वही लोग हमको मारे। फिर बाद में सास ससुर भी आए कि गुहार सुनकर, तो वो भी हमें ही मारने लगे। सास ससुर और देवर मूसा ससुर, ये सब कहाँ के रहने वाले हैं? ये सब बीरखाम के, मैं बीरखाम से ही हूँ। सास ससुर देवर भी अपने घर के ही हैं, बीरखाम के, मूसा ससुर बिहरा का है। जी सर, मैं बेहोश थी, मैं वक्त पर 100 नंबर आई। वो हमको रीवा के हॉस्पिटल में संजय गांधी में एडमिट भी की थी। एक दिन मैं एडमिट थी, छोड़कर चली गई पुलिस। फिर भी मैं वहाँ से रिपोर्ट करने गई तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, ना ही चौकी में ना ही थाना से मरिया में। आज तक वो MLC रिपोर्ट भी नहीं आई सर। कल मुझे फिर केस, वो लोग केस कर दिए हमें मार पीट कर, मेरे पति को भी। बाद में मेरे पति भी आए थे, मैं गुहार लगाई झगड़े के बाद, तो मेरे पति भी आए थे सर, तो उनको भी वो लोग मारे, 4 लोग मिलकर मारे हैं। अभी आप एसपी साहब से मुलाकात की है? अभी जब मैं कल मेरा वारंट आया, मैं सिरमौर गई, मैं जमानतदार पकड़ी, मैं अपनी और मेरे अपने पति की जमानत करवाई। उसके बाद मैं एसपी ऑफिस आई हूँ सर, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। एसपी साहब बोले हैं कि तुम्हारी कार्रवाई पूरी तरह से की जाएगी। नमस्कार, रीवा, मैं हूं भानु पंडित और मैं हूं अनीता भट्ट, और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने, जिसका नाम है उड़ान शाम में गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए। और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें रीवा शहर आमंत्रित किया। So, see you all there.